वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के सिक्स एडिशन की सीरीज का चैप्टर नंबर 25, जिसका नाम है पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पर रैशनल ऑफ द ग्रुप के बारे में। तो देखिए एम कॉल और एसएल शाग्धिर ने अच्छे से एक्सप्लेन करा है इसको, है ना, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप को। देखिए किस तरह से करा है वो समझाते हैं आपको। जो एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट है रिलेशंस का, जो एस्टैब्लिशमेंट मतलब एस्टैब्लिश करना और जो डेवलप हुआ बाद में, है ना, डेवलपमेंट जो हुआ रिलेशंस का पार्लियामेंट्स के अमंग द पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ नेशनल पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट्स के बीच में जो आपका एस्टैब्लिशमेंट और जो डेवलपमेंट हुआ रिलेशंस का, ठीक है, ये काफ़ी पार्ट है रेगुलर एक्टिविटीज़ का जो कि नेशनल पार्लियामेंट्स की हैं। ऑल्दो हमारा जो प्रमोशन है इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशन का, मतलब पार्लियामेंट के जो अंदर रिलेशंस हैं उनका जो हमारा प्रमोशन है कई सारे सालों तक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है ये जो वर्क करने में पार्लियामेंटेरियंस के बीच में, ठीक है। रिसेंटली इसने एक नया थ्रस्ट, मतलब एक नया जो है वो थ्रस्ट जो है वो रिसीव करा है अपने इंक्रीज इंटर डिपेंडेंस की वजह से नेशंस की ग्लोबल इन्वायरमेंट में, ठीक है। काफ़ी इंपेरेटिव बात है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये हाथ मिला लेते हैं ताकि ज्वाइन करते हैं अपने हैंड्स ताकि सेफगार्ड कर सकें डेमोक्रेसी को और वर्क करें सिनर्जी के साथ में, है ना, चैलेंजेस जो हैं पूरे वर्ल्ड के उनको जो है वो ओवरकम करें, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर कन्वर्ट करें और प्रॉस्पेरिटी लेकर आए हमारे कंट्री में। पार्लियामेंटेरियंस कई सारे डिफरेंट पार्ट से वर्ल्ड के, देयरफॉर इनका एक फोरम है जहाँ पे ये मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन लेकर आते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम का। यहाँ पे कुछ क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी है आइडियाज़ का जो भी होता है, ना ही सिर्फ ओल्डर के बीच में बट यंगर पार्लियामेंट के बीच में भी, बट साथ ही साथ पार्लियामेंटेरियंस के बीच में भी जो कि कई सारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम कर रहे हैं, है ना। ये आम बात है, नॉर्मल बातें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी जाती हैं इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस में। हालांकि ये सारे डिस्कशन अभी भी इतने फ्रैंक फ्री नहीं है बट जो है वो करे जाते हैं। इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशन दस एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है आज की डेट में और पूरा ही वर्ल्ड जो है वो सेट करता है कई सारी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स भी, जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करता है एक पार्लियामेंट आज की डेट में वो कन्फ्रंट हो सकती है दूसरे के द्वारा कल। यहाँ पे इसलिए असेंशियल है कि जो लिंक है वो एग्जिस्ट करे, जो वो एग्जिस्ट करे कई सारे पार्लियामेंट के बीच में जो कि वर्ल्ड के हैं, है ना, सब लिंक होना चाहिए। ये भी है कि हर कंट्री का अपना पार्लियामेंट, जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्स हैं, ठीक है, तो एक लिंक प्रॉपर जो है वो हो सबके बीच में ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपस में मिलकर प्यार से निकाला जा सके, ठीक है। तो ये लिंक मेंटेन करा जाता है इंडिया के द्वारा अपने एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस के थ्रू, गुडविल मिशंस के थ्रू, करेस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह के थ्रू विद फॉरेन पार्लियामेंटरीज टू द मशीनरी ऑफ द आईपीजी दैन एक्ट एज अ बोथ नेशनल ग्रुप ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड ऑल्सो इंडिया ब्रांच ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ कॉम्पोजिशन के बारे में इस ग्रुप की। तो IPG3 ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसको फॉर्म करा गया था 1949 में इन परसुएंस ऑफ द मोशन जिसको अडॉप्ट करा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव के द्वारा। जो मेंबरशिप है आईपीजी की ओपन है सारी मेंबर के लिए जो कि पार्लियामेंट के हैं। जो फॉर्मल मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के ये भी बन सकते हैं एसोसिएट मेंबर्स इस ग्रुप के, बट जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको एंटाइटल्ड है कि वो उनके पास सिर्फ लिमिटेड राइट्स होंगे। बस बात समझ रहे हैं आप, जो फॉर्मल मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो भी बन सकते हैं एसोसिएट मेंबर्स ग्रुप के, बट जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको एंटाइटल है कि उनके पास लिमिटेड राइट्स ही होंगे, ठीक है। ये एंटाइटल नहीं है रिप्रेजेंटेशन के मीटिंग्स वगैरह में, कॉन्फ्रेंसेस में आईपीयू की एंड सीपीए की। ये जो है वो एंटाइटेड नहीं है ट्रैवल कंसेशंस के लिए जो कि प्रोवाइड करे जाते हैं मेंबर्स को बाय सर्टेन ब्रांचेस ऑफ द सीपीएम। जो स्पीकर है लोकसभा के, एक ये एक एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है हमारे ग्रुप के, और जो डिप्टी स्पीकर है लोकसभा के और डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं ये एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं ग्रुप के। समझ में आ रही है बात आपको। अब जो सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा की ऐड करते हैं एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल के तौर पे इस ग्रुप के। अगर हम यहीं पे ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें इस ग्रुप के, तो एम्स और ऑब्जेक्टिव जो ग्रुप के हैं वो है प्रमोट करना पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के बीच में जो इंडिया का है, स्टडी करना क्वेश्चंस वगैरह पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो कम निकल के आते हैं पार्लियामेंट के सामने आते हैं, अरेंज करते हैं ये लोग सेमिनार भी, डिस्कशन ओरिएंटेशन कोर्सेज वगैरह भी, और लेकर आते हैं पब्लिकेशंस डिसेमिनेशंस के लिए इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप।
अरेंज करना इनको लेक्चर्स पॉलिटिकल डिफेंस इकोनॉमिक सोशल एंड एजुकेशन प्रॉब्लम्स मेंबर्स के द्वारा पार्लियामेंट की और उन्हें डिस्कस एज ए डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, अरेंज करना विजिट्स फॉरेन कंट्रीज की इस व्यू से ताकि डेवलप करना है उनके साथ कॉन्टैक्ट्स मेंबर्स के साथ में दूसरे पार्लियामेंटेरियंस के, ठीक है। अब हम यहाँ पे फंक्शंस की बात करें अगर इस ग्रुप के, तो ग्रुप एक लिंक के तौर पे काम करता है पार्लियामेंट जो हमारे भारत का है उसके बीच में और कई सारे पार्लियामेंट जो वर्ल्ड के हैं उसके बीच में। ये लिंक मेंटेन करा जाता है एक्सचेंज करके डेलीगेशंस, गुडविल मिशंस, करेस्पॉन्डेंस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को फॉरेन पार्लियामेंट्स के साथ में। ग्रुप फंक्शन करता है एक नेशनल ग्रुप ऑफ द आईपीयू के तौर पे और मेन ब्रांच ऑफ द सीपीए ऑफ इंडिया के तौर पे, सीपीए इन इंडिया के तौर पे। एड्रेस करता है मेंबर्स को पार्लियामेंट के, विजिट करके हेड स्टेट के और गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज के, और बातें करके एमिनेंट पर्सन से जो कि काफी पॉपुलर पर्सनैलिटीज हैं उनसे, और अरेंज करता है ऑस्पिशियस ग्रुप की सेमिनार्स सिम्पोसिया वगैरह जो पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट्स पे हैं टॉपिकल्स इंटरेस्ट के, ये ऑर्गेनाइज करे जाते हैं पीरियोडिकली नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे। मेंबर्स ये जो ग्रुप के हैं जब विजिट करते हैं अब्रॉड, जब ये बाहर जाते हैं तो इनको लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है कई सारे सेक्रेटरीज को, जनरल ऑफ द नेशनल ऑफ द ग्रुप ऑफ द नेशनल ग्रुप्स ऑफ आईपीयू एंड सेक्रेटरीज ऑफ द सीपीए ब्रांचेस को। जो इंडियन मिशंस हैं हमारे कंट्रीज के ऑफ विजिट, द इंडियन मिशंस इन द कंट्रीज ऑफ विजिट, ये भी सूटेबली इन्फॉर्म करे जाते हैं ताकि इनेबल करें इन्हें असिस्टेंट पाने से और यूजुअल कोटिसेस पाने से। सिर्फ वो मेंबर्स जो पार्लियामेंट के हैं जो कि मेंबर्स हैं ग्रुप के एटलीस्ट 6 महीने से और एटलीस्ट 6 मंथ से स्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द डेलीगेशन, ये इनको इंक्लूड करा जाता है इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में टू फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। एक अनइंटरप्टेड, ठीक है, बिना किसी इंटरप्शन का जो अनइंटरप्टेड फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का टू द मेंबर्स रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप, इसको मेंटेन करते हैं अपने आईपीजी न्यूज टेलर के माध्यम से जो कि हर क्वार्टरली निकाला जाता है। ये रेगुलरली भेजा जाता है सारे ही ग्रुप मेंबर्स को, है ना, और इसमें आपका एसोसिएट मेंबर्स भी आते हैं। एज पर द डिस्कशन ऑफ द ग्रुप, एक अवार्ड जो आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री ने इनका है इसको इंस्टीट्यूट करा गया 1995 में, जो कि एनुअली मतलब हर साल दिया जाता है। कमेटी करीब 5 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है स्पीकर के द्वारा जो कि लोकसभा के होते हैं, इन्वाइट करती है और फाइनलाइज करती है नॉमिनेशन अवार्ड्स के लिए। फिर बात करें इंकरेज करने के लिए बायलेटरल रिलेशन को, ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करता है पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स दूसरी कंट्रीज के साथ में पार्लियामेंट में। एम्स और ऑब्जेक्टिव जो फ्रेंडशिप ग्रुप्स का है इसको मेंटेन करते हैं पॉलिटिकल सोशल और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स दोनों ही कंट्रीज के बीच में, असिस करते हैं एक्सचेंजेस इन्फॉर्मेशन की और एक्सपीरियंसेस भी इशूज से जो कि रिलेटेड है पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज से। हम बात करेंगे ग्रुप एन आईपीयू 7 के बारे में, सॉरी 7 नहीं है, आईपीयू के बारे में, ठीक है, ये हम बात करेंगे ग्रुप एंड आईपीयू के बारे में। तो आईपीयू एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट्स का और सोवेरियन स्टेट्स की। आज की डेट में बताऊं तो आईपीयू में करीब 153 पार्लियामेंट्स हैं सोवेरियन नेशंस के। इसका एम है काम करना पीस के लिए, कॉरपोरेशन मतलब शांति और एक साथ मिलजुल के काम करने के लिए पीपल्स के बीच में, फॉर द फर्म एस्टैब्लिशमेंट ताकि आराम से एस्टैब्लिशमेंट हो एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। ये फॉस्टर करता है कॉन्टैक्ट्स कोऑर्डिनेशन और एक्सचेंज भी एक्सपीरियंस के पार्लियामेंट्स के बीच में और पार्लियामेंटेरियंस के बीच में सारे ही मेंबर्स और कंट्रीज सारे मेंबर कंट्रीज के बीच में, और साथ ही साथ कंट्रीब्यूट करता है कि बेटर नॉलेज हो द वर्किंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की। साथ ही साथ एक्सप्रेस भी करता है अपने व्यूज भी कई सारे बर्निंग क्वेश्चंस पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो कि जरूरत है, जिनकी जरूरी है जरूरत है जिसकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में पार्लियामेंट्री एक्शंस के, और सजेस्ट करता है एवेन्यूज भी इंप्रूव करने के लिए वर्किंग स्टैंडर्ड और कैपेसिटी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की। बात करें मेन एडवांटेज की मेंबरशिप की इस ग्रुप की, तो अभी इसके फंक्शंस जो है ये फंक्शन करता है एज अ नेशनल ग्रुप ऑफ द आईपीयू आर कंसर्न, तो कुछ बातें करें इंपॉर्टेंस की। तो पहली बात, ये हेल्प करता है मेंबर्स को इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस के कि वो डेवलप करें कॉन्टैक्ट्स पार्लियामेंटेरियंस के साथ में मेंबर कंट्रीज ऑफ द आईपीयू के जो है। जो इवेंट्स प्रोवाइड करते हैं एक अपॉर्चुनिटी ताकि स्टडी कर सके और समझा जा सके कंटेम्प्रेरी चेंजेस को, रिफॉर्म्स को जो कि हो रहे हैं कई सारी कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में। तीसरी बात, ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज ताकि मिल सके वहां पे पार्लियामेंटेरियंस कई सारे कंट्रीज के अपने टूर के टाइम पे जो अब्रॉड होता है या फिर इंडिया आए हैं तब होता है जब विजिट करते हैं पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे। चौथी बात, जो मेंबर्स ग्रुप के हैं वो एलिजिबल हैं विजिट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में एज मेंबर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस टू इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेस। रीसेंट पास्ट में बताऊं तो मेंबर्स जो ग्रुप के हैं ये कई सारी पोजीशन होल्ड करते हैं आईपीयू बॉडीज में। बताऊं तो ऑफिस बेयरर्स हैं डिफरेंट कमेटीज में आईपीयू की, रिपोर्टर्स हैं, चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी एक्सेट्रा के। एंड बाय द वर्च्यू ऑफ द सेम, जो ग्रुप है इसके पास सक्सेसफुल है ये पुट फॉरवर्ड करने में इफेक्टिवली एक व्यू ऑफ पॉइंट ऑन द इंडिया ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इशूज जो कि आईपीयू मीटिंग्स डील करती हैं। फिर आखिरी में बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप एंड द सीपीए के बारे में, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, सीपीए है।
इसके बारे में। तो सीपीए क्या है? ये एक एसोसिएशन है करीब 17,000 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस की, जो कि करीब 175 175 नेशनल, स्टेट, प्रोविंशियल और टेरिटरी पार्लियामेंट्स में फैली हुई है। इसका एम है प्रमोट करना नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल सिस्टम्स की विद द पार्लियामेंटरी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द कंट्रीज ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस एंड टू कंट्रीज हैविंग क्लोज हिस्टोरिकल एंड पार्लियामेंट्री एसोसिएशन विद इट। इसका मिशन है प्रमोट करना एडवांसमेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, इन्हांस करके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की, और बिल्ड करके इन्फॉर्म्ड, है ना, अच्छे से बिल्ड करके इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट्री कम्युनिटी को, है ना, और ताकि मजबूत बना जा सके यहाँ पे कॉमनवेल्थ डेमोक्रेटिक कमिटमेंट और आगे जो है ऑपरेशन वगैरह जो हो रहे हैं पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर के बीच में उसको, ठीक है। मेन एडवांटेज की बात करें मेंबरशिप इस ग्रुप की, तो मेन ब्रांच जो सीपीए की है इंडिया में कंसर्न है उसके बारे में बात करूँ तो पहली बात ये है कि कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स जो मेंबर्स हैं वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे पार्टिसिपेशन हो सकता है रीजनल कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार, विजिट्स और एक्सचेंज में डेलीगेशंस के। दूसरी बात ये कि पब्लिकेशंस सारे मेंबर जो ग्रुप के हैं उनको यहाँ पे एंटाइटल हैं कि वो पा सकें फ्री ऑफ चार्ज जो पार्लियामेंटेरियन क्वार्टरली एंड द न्यूज टेलर फर्स्ट रीडिंग एवरी सेकेंड मंथ। तीसरी बात ये इन्फॉर्मेशन की, तो पार्लियामेंट्री इन्फॉर्मेशन और रेफरेंस सेंटर ऑफ द सीपीए सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन मेंबर्स को पार्लियामेंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉमनवेल्थ मैटर्स पे। चौथी बात है यहाँ पे इंट्रोडक्शन की, जो सीपीए ब्रांचेस हैं वो रेडली असेस करती हैं अरेंज करने में इंट्रोडक्शन मेंबर्स के लिए विजिटिंग अंडर द ज्यूरिडिक्शंस। पांचवी बात ये पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज की, मेंबर्स विजिटिंग अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज ये नॉर्मली जो है वो अकॉर्ड करते हैं पार्लियामेंट्री कोटिसेस को, स्पेशली एक्सेस टू डिबेट्स एंड लोकल मेंबर्स। और छठी बात ट्रैवल फैसिलिटीज की, कुछ ब्रांचेस प्रोवाइड करती हैं डेजिग्नेटेड मेंबर्स को अपने मेंबर्स को एनुअली ताकि वहाँ पे स्टडी टूर हो कॉमनवेल्थ और दूसरी कंट्रीज में और कंपेयर करें पॉलिटिकल और प्रोसीजरल डेवलपमेंट्स को। कुछ दूसरी ब्रांचेस में एडहॉक विजिट्स भी होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर पसंद आया चैप्टर तो लाइक करें, इस वीडियो को देखना चाहते हैं अगर आप फेसबुक पे तो सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, प्लीज जाएं वहाँ लाइक करें पेज और देखें। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ आईएएस के नाम से उसे ज्वाइन करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वर्मा प्रसन्ना के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। शेयर करें दोस्तों के साथ में ताकि फ्री एजुकेशन का लाभ सबको मिल सके। सब्सक्राइब करें चैनल को एंड थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स, दे आर लवली। टेक केयर।